नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉट फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन से संबंधित एक अन्य वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में जो है हम छोटे मेमनों की जो है डिवॉर्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनके जो पेट में कीड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से मारा जा सकता है, तो उसके बारे में सारी कुछ जानकारी होगी। आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी छोटे मेमने दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो पेट में जो है कीड़े अक्सर पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इसके वजह से दस्त लग जाते हैं और मेमने की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में हमें डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें डिवॉर्मिंग जो है किस तरीके से करनी है, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल जानकारी दूँगा। हमने जो है दो छोटे मेमने हैं तो इनकी हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। तो डिवॉर्मिंग के तौर पे हमने पहली डिवॉर्मिंग की थी 15 दिन पे। अब जो है मेमना 2 महीने का हो चुका है, तो अब इसकी जो है दूसरी डिवॉर्मिंग आज के समय में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अल्बेंडा जोल का 90 ml का जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम जो है मेमने को 10 किलो पे 2 से 3 ml का डोज इस पर लिखा हुआ है। तो हम इसे जो है 3 ml पर बकरे के हिसाब से देंगे। तो दो छोटे मेमने हमारे पास, तो हमारे पास है 12 नंबर की सिरिंज, तो इसमें हमने 6 ml तक भर लिया है। तो आगे जो है आपको जब भी आप किसी मेमने को दवा पिलाते हैं तो आपको यहाँ पे हमेशा से ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम दवा जो है आगे से पिलाते हैं तो उनमें जो है कहीं ना कहीं फेफड़ों में दवा चली जाती है, तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे जो है निमोनिया, सर्दी, खांसी, कहीं ना कहीं बच्चा कई बार चिल्लाने लग जाता है, तो ये सब समस्या होती है। तो आपको थोड़ी सी साइड से दवा इसको पिलानी होती है। तो ये देखिए हमने जो है 3 ml पहले वाले मेमने को पिला दिया है। अब बारी है दूसरे वाले मेमने की, तो इसे भी हम पकड़ लेंगे और इसे भी जो है हमने 3 ml इसे पिला देना है। 10 किलो पे 3 ml आप इसको आराम से दे सकते हो, और आपको जो है थोड़ा सा साइड से दवा पिलानी होती है, जो एक तरीके से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, तो ये बेटर तरीका होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, तो जब भी आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो डिवॉर्मिंग करने से पहले आपको लगभग 1 घंटे पहले थोड़ा सा जो गुड़ होता है, गुड़ आपको ज़रूर दिलाना है। उसके बाद जो है आपको 1 घंटे बाद डिवॉर्मिंग करनी है। तो इन जे में ये जो छोटे मेमने हैं तो इनको हमने पहले थोड़ा सा गुड़ खिला दिया था। अब गुड़ खिलाने का मतलब ये है कि जो पेट में कीड़े पनप रहे हैं, जो छोटे कीड़े पेट में है, तो कहीं ना कहीं जब हम गुड़ खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे उनको, तो कीड़े जो है अपने जगह से सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे, गुड़ को खाने के लिए आएंगे। और जैसे ही हम 1 घंटे बाद दवा पेट के कीड़े मारने की दवा अगर पिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पेट में कीड़े हैं तो वो एक ही साथ किल हो जाते हैं और बच्चे की जो है डिवॉर्मिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है दूसरी डिवॉर्मिंग जो है अल्बेंडा जोल से इसकी कर दी। तो हमने पहली और दूसरी दोनों डिवॉर्मिंग अल्बेंडा जोल से कर दी है। उसके बाद जैसे ही मेमना 3 महीने का हो जाएगा तो नीलजान से हम इसकी डिवॉर्मिंग करेंगे, और मेमना जो है 4 महीने का हो जाएगा तो इसकी डिवॉर्मिंग हम हाईटेक से कर देंगे। 3-4 महीने के बाद ही आप बच्चों को जो है हाईटेक दिलाइए, इससे पहले ना दिलाए तो भी बेटर है। तो इस तरीके से आप जो है मेमनों की डिवॉर्मिंग कर सकते हो। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत